takes her. कल स्क्रूटनी यहाँ सभी नामांकन पत्रों की गई और 102 व्यक्तियों ने 119 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें से 31 नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए। एक जो अभ्यर्थी थे श्री तेज बहादुर, उन्होंने 2 नामांकन दिए थे, उनकी स्क्रूटनी को डेफर किया गया था। और कोई भी व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा हो और उससे डिसमिस हुआ हो और उस डिसमिसल की तारीख 5 साल के अंदर की हो, यानी 5 साल ख़त्म नहीं हुए हो, ऐसे सभी केसेस में सेक्शन 9 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड सेक्शन 33 का सब क्लॉज 3, इन दोनों में ये बाध्य है यानी कंपलसरी है कि वो कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ में एक सर्टिफिकेट लाएगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा कि दिस पर्सन जो आप व्यक्ति हैं, ही हैज़ नॉट बीन डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ द डिसलॉयल्टी टू द नेशन एंड करप्शन। तो ये दोनों केसेस में अगर कोई नहीं भी है और डिसमिसल भी है, तो भी इस फैक्ट का कि ही हैज़ नॉट बीन डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ द डिसलॉयल्टी टू द स्टेट एंड करप्शन, तो दोनों ही केसेस में सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है। तो 5 साल के अंदर में जो भी सरकारी आदमी अगर कोई डिसमिस होता है, तो वो डिसमिसल करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट की वजह से नहीं है या है, इन दोनों ही केसेस में एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन से आता है। हमने मौका भी दिया कल आज 11 बजे तक का डेफर करके, लेकिन 11 बजे तक कोई इस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं आया। और उसी के अभाव में जो डिसक्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में निर्धारित है, उस डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर और जो प्रोविजंस हैं उनके आधार पर एक लॉन्ग स्पीकिंग ऑर्डर, पूरा सुनवाई के बाद जो ऑब्जेक्शन आए थे उनकी सुनवाई के बाद सबको समाहित करते हुए जो श्री तेज बहादुर हैं उनका नामांकन निरस्त किया गया। सर, किनको सर्टिफिकेट कहाँ से लाना था? ईएसएफ से चुनाव बता दिया मैंने, अभी तो बताया नहीं, समय बहुत कम नहीं, ये साथ लाना होता है। बीजेपी ने भी कहा था कि आपने समय दिया है, इधर से देखिए, आप प्लीज़ ऑर्डर पढ़ लीजिए, उसमें सारी चीज़ें हैं कि कब दाखिल करना होता है या कितना टाइम दिया देना होता है, ठीक है ना। जो 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 भी स्क्रूटनी है, वो स्क्रूटनी मैक्सिमम नेक्स्ट डे 11 o'clock तक डेफर्ड की जा सकती है, एडजॉइन की जा सकती है, जो कि हमने मैक्सिमम टाइम दिया। तो जो कहते हैं इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़ इन द आई ऑफ लॉ, तो कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट जो डिसमिसल हुआ है पिछले 5 साल में, उसको अपने साथ वो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इश्यू करा के लाना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अप्लाई करना होता है। आप डिटेल्ड जो ऑर्डर है उसके डिटेल सारे प्रोविजन निहित किए गए, सारी बातें लिखी गई हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।